यूज़ की थी, तो जब मेरा वलीमा था तो मैंने वलीमे पे मेरी ना वो कोई मसला हो गया, तो वलीमे पे मेरी जो वो थी ना मेकअप आर्टिस्ट वो आई नहीं, तो वलीमे में मैं खुद क्या। उसके बाद फिर मैंने ये सोचा, वैसे उससे पहले मुझे मेकअप का बचपन से शौक था, तो मैंने सोचा कि मेकअप जो है ना औरत को ज़रूर आना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़की को या औरत को मेकअप आना चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ जाती है। और उसके बाद शौक़ तो खैर बचपन से था, बट मुझे ज़्यादा ये शौक था कि मैं अपना एक ब्रांड खोलूँ जो मेरा वर्ल्ड में उसका एक उस ब्रांड का एक नाम है, ठीक है। सो आई वॉज बेसिकली मैं राइटर थी, मैं राइटर उसमें थी। अदील को मेकअप बहुत पसंद, तो इनकी वजह से मैंने जो है ना वो मेकअप करना जब स्टार्ट किया। मैंने क्लासेस ऑलरेडी अतर शहजाद वगैरह से ली हुई थी, और फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट कंट्रीज में एक से क्लासेस ली, एंड देन आई स्टार्ट माई मेकअप, डूइंग माई मेकअप। मगर शुरू से पहली वीडियो पे ही मुझे इतने नेगेटिव कमेंट मिले कि मैं डर गई कि इतना हैवी मेकअप करती हैं आप। मगर वही चीज़ मेरी स्ट्रेंथ बन गई कि अभी मैं कहीं पे भी जाती हूँ मैं इतना ही हैवी मेकअप। तो जितना भी लोगों ने कहा मैं उतना ज़्यादा मुझे होता है कि नहीं मैंने लाइट मेकअप नहीं करना, मुझे इतना ही अच्छा लगता। आई एम कम्फर्टेबल विद इट, बस ठीक है। हालांकि सब यही कहते हैं कि तुम मेकअप के बगैर बहुत अच्छी लगती हो, कम मेकअप में बहुत अच्छी लगती हो, और मुझे होता है कि मुझे ऐसे ही पसंद है। सो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट ये बात होती है, दो तरह के परिंदे होते हैं। एक वो परिंदे होते हैं कि जिनको लोग जो बड़े खूबसूरत होते हैं उनको लोग पिंजरे में रखते हैं, उनको देखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। और एक वो परिंदे होते हैं जो हवाओं में उड़ते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन से वाले परिंदे हैं, आप उड़ने वाले परिंदे हैं या पिंजरे वाले परिंदे हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो उड़ने वाला परिंदा हूँ, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह उड़ गई, अभी भी उड़ रही हूँ। और परवाज़ वाले परिंदे होते हैं, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। औरत जो है वो नस्लें बदल सकती है, और औरत जो है वो नस्लें बर्बाद भी कर सकती है। इस वजह से औरत के हाथ में होता है कि औरत जो है वो नस्लें आबाद कर रही हैं बर्बाद कर रही हैं। एक बच्चे की अच्छी तरबियत करना भी एक जहाज है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। किसी बुरे इंसान के साथ रहना और बच्चों की तरबियत करना, उससे बहुत बेहतर है कि आप उस इंसान को छोड़ के अकेले अपने बच्चे पाते हैं। क्योंकि जब वो किसी अपनी माँ को गाली देते हुए सुनेंगे, वो कल को अपनी बीवी को गालियाँ देंगे। जो वो अपने बाप को, जो वो अपनी माँ को मार खाते हुए देखेंगे, वो कल को वो भी अपनी बीवी के साथ। ये पूरी पूरी नस्ल, पूरा पूरा माशरा ख़राब हो रहा है इसी वजह से। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो हैं इसके ऊपर बात करें और अपनी जो आगे आने वाली नस्लें हैं उनको सुधारें।